टर्न इंडिकेटर्स एंड देख सकते हो कितने फ्लेक्सिबल है। तीन चार लोग बैठना चाहो, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, पर तीन चार लोग यहाँ पर आराम से बैठ सकते हो। फ्यूल टैंक पे मुझे एक खास चीज ये लगी कि आपको यहाँ पर ये पूरी पैडिंग मिल जाती है, उससे दो एडवांटेज है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए रिसेंटली लॉन्च बजाज सिटी 125X पर एक डिटेल रिव्यू लेकर आ गया हूँ। मेरे जितनी भी ऑडियंस जुड़ी है, आपने देखा होगा 125cc के सेगमेंट में इतने राइवल्स आ जाते हैं। इसी की बात करें तो ये कम्पीट होती है SP125, ग्लेवर 125, सुपर स्प्लेंडर, रेडर, पल्सर 125, ऐसे बहुत से कॉम्पिटिशन इसके साथ है। तो आप में से कोई भी इन द ईयर 2022 एक 125cc की बाइक लेने का प्लान कर रहा है, ज़्यादा बजट नहीं है, तो इसमें क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं और ये चॉइस आपके लिए कैसी रहने वाली है, सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसकी अगर पूरी प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। 71,000 रुपीज़ ये ड्रम वेरिएंट इसलिए, अगर आप डिस्क वेरिएंट ले रहे हो तो 74,000 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस मिलने वाली है। 110cc जैसा कि इसमें आती है पहले से, 110cc से 125cc पे आना चाहते हो तो आपको 12,000 से 13,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे। तीन कलर मिल जाते हैं, ये ब्लैक विद ग्रीन इंसर्ट्स है। अगर फ्रंट से स्टार्ट करें तो प्रोफाइल देख सकते हो यार, मतलब एक मजबूती अलग से इसमें दिखती है। बिकॉज सबसे पहले तो आपको यहाँ पर DRLs मिल जाती है जो कि ओवरऑल बहुत ही यूनिक लुक दे रहा है। 125cc के सेगमेंट में मैंने इतना यूनिक लुक नहीं देखा, बहुत ही अनकॉमन ये लगती है और थोड़ी बहुत मतलब ऐसा बोलते हैं ना ऑफ रोडिंग के लिए बनाई गई हो ऐसी लगती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे पूरा ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में मिल जाता है। फ्रंट में आपको हेलोजन सेटअप मिलता है, बट सबसे अच्छी चीज़ कंपनी ने यहाँ पर ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा है, तो अगर कौन सी चीज़ यहाँ पर टकराती है ना तो आसानी से आपकी लाइट नहीं टूटने वाली। अगर यहाँ पर देखें तो आपको हेलोजन इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर्स, एंड देख सकते हो कितने फ्लेक्सिबल है, तो टूटने जैसा कोई भी इशू नहीं आएगा। बिकॉज बजट गाड़ियाँ लोग अधिकतर पार्किंग में पार्क करते हैं तो बहुत सारी जगह आप ये गाड़ी यूज़ करोगे, जैसे इंडिकेटर टूटने जैसा कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर देखें तो सस्पेंशन पे आपको ये रबर भी प्रोवाइड कराए कंपनी ने, तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं एंड सस्पेंशन काफ़ी अच्छे हैं, मतलब राइडर को आप अगर कौन से ख़राब उबड़ खाबड़ रस्तों पे भी चला रहे हो ना तो हैंडल बार पे जर्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं आपको। BS6 से सारी गाड़ी पे आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। टायर प्रोफाइल की बात करें तो 17 इंचेस के टायर मिलते हैं फ्रंट और रियर में, बट ये 80 सेक्शन टायर है। फ्रंट में आप देखोगे, अगर आप रेडर देखोगे, SP देखोगे, सब में आपको इतने ही सेक्शन टायर मिलने वाले हैं, तो ना ही ज़्यादा पतले ना ही ज़्यादा मोटे हैं। हायर सेक्शन टायर हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका माइलेज भी गिरेगा, बट जैसा कि बजाज की गाड़ियाँ माइलेज के लिए मानी जाती है, माइलेज आपको ये बहुत ही अच्छा देने वाली है। अब इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 124cc का DTSI जो कि बजाज का प्रूवन इंजन है इसमें मिलने वाला है। 10.9 PS की पावर प्रोड्यूस करता है एंड 11 Nm का टॉर्क, तो ओवरऑल पावर फिगर्स इस गाड़ी के काफ़ी अच्छे हैं। इसका गियर बॉक्स मैं आपको बताना चाहूँगा, मतलब आप में से किसी को भी दूसरी गाड़ियाँ चलाने की आदत है ना, जैसा कि मैंने इसका गियर बॉक्स देखा अभी मैं चला के लाया, 5 गियर मिलते हैं और 5ों नीचे लगते हैं। तो अभी मैं गाड़ी चलाते टाइम वही सोच रहा था कि यार गियर क्यों नहीं लग रहा है ऊपर, तो आप देख लेना ऊपर न्यूट्रल है और बाकी 5ों गियर नीचे लगने वाले, तो काफ़ी यूनिक गियर पोजिशनिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। एक बड़ा एडवांटेज आपको यहाँ पर कार्बोरेटर सिस्टम मिलता है। अब BS6 से बहुत से लोगों ने देखा फ्यूल इंजेक्टर, अब जैसे कि 125cc की बाइक है, फ्यूल इंजेक्शन के कारण ज़्यादा फ्यूल रखना पड़ता है, बट इसमें कम फ्यूल भी रख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इजीली आप यहाँ से रिजर्व लगा सकते हो। कार्बोरेटर सिस्टम काफ़ी बढ़िया है, कंपनी ने आपको यहाँ पर लेग गार्ड प्रोवाइड करा है, इंजन के लिए पूरा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करा गया है और ओवरऑल ब्लैक कलर में तो यार काफ़ी अच्छी लगी मुझे देखने में। दूर से आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी बाइक है, तो अगर आप सीट की यहाँ पर बात करें ना तो बहुत ही लंबी सीट मिल जाती है, तो इससे 2-3 प्लस पॉइंट है। एक तो आप 3-4 लोग बैठना चाहो, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, पर 3-4 लोग यहाँ पर आराम से बैठ सकते हो और बीच में ऐसा कोई भी कट नहीं है। तो अगर आपको पीछे कुछ लगेज कैरी करना है, अब मैं लगेज का तो क्या ही बोलूँ, बिकॉज यहाँ पर कंपनी ने शेल्फ भी प्रोवाइड करा है, तो आपको कुछ लगेज ले जाना है या कुछ आप जैसे कि कुछ बोरा वगैरह बांधना है, कुछ सामान बांधना है, तो आप इजीली यहाँ पर बांध सकते हो, बहुत ही ड्यूरेबल है, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिलने वाली है। 125X की काफ़ी बढ़िया यहाँ पर बैजिंग मिल जाती है। अब रियर सस्पेंशन की ओर आए ना, तो इसमें आपको एक चीज़ काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, आप देख सकते हो डबल टाइप के यहाँ पर सस्पेंशन मिल रहे हैं, तो उसके कारण आप अगर जैसा कि आपने देखा यहाँ पर स्टैंड भी है, आप ज़्यादा वजन देकर गाड़ी को चला रहे हो तो कुछ भी सस्पेंशन ख़राब होने जैसी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाले। कच्ची सड़कों पे आप आराम से चला सकते हो, टकराने जैसा भी कोई भी इशू नहीं आने वाला है, बिकॉज अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें मिल जाता है, बेसिक गाड़ियों से तो अच्छा ही है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ मुझे लगी। लेडीज़ फुटरेस्ट भी यहाँ पर प्रोवाइड करा गया है जो कि कंपनी प्रोवाइड कर रही है, मतलब एज ए नेसेसरी लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड तो मिल ही जाता है, बट जैसा कि आपने देखा यहाँ पर भी फुटरेस्ट देकर रखा है, तो स्पेशली जो दूध बेचते हैं ना उनके लिए काफी बढ़िया चीज रहने वाली है। दोनों जगह आपको स्टैंड मिल जाते हैं। अब रियर की ओर आ जाते हैं तो टायर प्रोफाइल की बात करें तो 100 सेक्शन टायर मिलते हैं। 100 सेक्शन काफी बढ़िया है, मतलब देखो मुझे इसकी प्रोफाइल पे तो बिल्कुल भी पतले नहीं लग रहे। अगर आप SP देखोगे तो SP के उसकी प्रोफाइल के हिसाब से काफी पतले लगते हैं, रेडर के ठीक ठाक है, सुपर स्प्लेंडर के भी ठीक ठाक है, बट इसके बढ़िया लग रहे हैं।
रियर में आपको पूरा हेलोजनी सेटअप मिलने वाला है यहाँ पर टेल लैम्प का, एंड अगेन जैसा कि मैं बताया पूरे फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स के साथ मिलने वाला है। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, पूरा मडगार्ड मिलता है जो कि फाइबर ही है। फ्यूल टैंक पे मुझे एक खास चीज़ ये लगी कि आपको यहाँ पर ये पूरी पैडिंग मिल जाती है, उससे दो एडवांटेज है। एक तो आप अगर गर्मी में चला रहे हो ना तो आपको यहाँ पर चटका बिल्कुल भी नहीं लगेगा, मतलब हीटअप नहीं होगा ये। दूसरी चीज़, आप जब भी कभी गाड़ी मोड़ते हो ना तो कभी कभी ये स्लिप होता है, इसके कारण ग्रिपिंग बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो यार गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो गाइस अब सबसे मेन चीज़ आ जाती है सीट हाइट और वेट की। वेट की बात करें तो बहुत ही बढ़िया वेट है, 120 केजी इसका, मतलब सबसे बेस्ट वेट लगा। अगर आप होंडा की एसपी देखोगे तो 118 किलो की मिलेगी, रेडर को देखोगे तो 123 किलो की, हीरो सुपर स्प्लेंडर भी उतने किलो की है, बट अगर इसकी बात करें तो 120 केजी इसकी मिल जाती है, बहुत ही लाइट वेट है। बट सीट हाइट थोड़ी ऊँची है, देखो हालांकि हल्की गाड़ी है तो मुझे दिक्कत नहीं आ रही है, बट 810 mm की सीट हाइट है। बाकी गाड़ी आप देखोगे तो 780-790 mm की सीट हाइट थोड़ी ज़्यादा है, बट एज सच मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। अब इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है, हैंडल बार की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको एक खास चीज़ बताना चाहूँगा, इसकी जो हाइट है ना बाकी हैंडल बार के हिसाब से थोड़ी सी ऊपर है, तो आप अगर लंबी भी चलाना चाह रहे हो इस गाड़ी को तो बैक पेन जैसा कोई भी इशू नहीं आने वाला है। यहाँ पर देखो तो एसपी, रेडर, सुपर स्प्लेंडर सबसे आपको बहुत ही कम प्राइस में मिलती है, तो आपको इसमें डिजिटल जैसे फीचर नहीं मिलने वाले। एनालॉग ही मीटर सिस्टम पूरा यहाँ पर मिलता है, 120 तक की स्पीड शो कर रहा है, बीच में ओडोमीटर आ रहा है, यहाँ पर फ्यूल इंडिकेशन आ रहा है, टर्न इंडिकेटर्स के साइन आ रहे हैं, मतलब बेसिक यूनिट है जिसे कुछ भी फालतू फीचर नहीं चाहिए। ब्लूटूथ LED तो इस चीज़ में काम हो जाएगा, पुराने ज़माने में भी यही चीज़ चलती थी। तो देखो बेसिक सारी चीज़ें आपको ये बता देगी। हैंडल बार पर देखें तो यहाँ पर आपको क्लच मिल जाता है, उसी के नीचे आपको यहाँ पर पास स्विच मिल जाएगा, डिम फुल का ऑप्शन है, ये इसके टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न कुछ इस टाइप का मिलता है, सेल्फ का स्विच मिल जाता है। और अब मैं फाइनली आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। तो बहुत ही रिफाइंड इसमें एग्जॉस्ट नोट आपको देखने को मिलता है। सो गाइस एक और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि यार बजाज इस प्राइस पॉइंट पे आपको USB पोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है, और सबसे अच्छी चीज़ यहीं पर कर रही है, तो आप एक फ़ोन होल्डर लगा के यहाँ से इजीली फ़ोन चार्ज कर सकते हो। जैसा कि आपको मैंने सारे फीचर्स बता दिए, अब कंक्लूजन की ओर आते हैं कि आपको ये गाड़ी लेना चाहिए कि नहीं। तो देखो यार इस बजट में, मतलब 125 cc की, आप जितनी भी, मैंने आपको बार बार नाम नहीं लूँगा, जितनी गाड़ियाँ वीडियो में बताई, जिन गाड़ियों के नाम लिए, सबकी प्राइस आपको इससे 15,000-1,000 rupees ऊपर ही देखने को मिलने वाली है। ये आपको 75,000-80,000 rupees में बाइक मिल जाएगी इतने सारे फीचर्स के साथ। तो आप कहीं ना कहीं ज़्यादा पावर चाहते हो, माइलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, तो दो प्रोडक्ट बजाज के खुद के ही है, पल्सर 125, NS 125, उनका अलग ही फैन बेस बना हुआ है, उसके लिए जा सकते हो। माइलेज के साथ आपको थोड़े फीचर्स चाहिए तो देखो SP रेडर अच्छे ऑप्शन है, बट जिसका बजट कम है और उसको एक पावरफुल गाड़ी चाहिए अच्छे माइलेज के साथ, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल चाहिए कि सारे टाइप से वो एक गाड़ी यूज़ कर सके, तो 2022 CT125X आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहने वाली है। वीडियो यहाँ तक देखी और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।